दिग्रस नगर परिषद के बुरे कारभार का स्वरूप एक बार फिर से सामने आया। किसानों का पोला मनाए जाने वाला मैदान डंपिंग ग्राउंड बन गया। नगर परिषद दिग्रस की शून्य योजना के कारण पोला या बैलों का उत्सव मनाने वाला यह एकमात्र स्थान है। यह स्थान मध्य बस्ती के जगह पर है। इस जगह सड़े हुए कचरे की वजह से दिग्रस शहर के लोगों को वहाँ से आना जाना करते समय आने वाली बदबू की वजह से परेशानी हो रही है। इस मैदान में नागरिकों की भारी भीड़ रहती है और इसी स्थान पर दिग्रस नगर परिषद द्वारा डंपिंग ग्राउंड किया गया है। नगर परिषद की अजीबो गरीब नीति ने नागरिकों की नाक में दम कर रखा है। बार बार लिखित शिकायत के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा। ट्रस्ट नागरिकों ने पत्रकारों के लेखनी का सहारा लेकर इस परेशानी पर रास्ता निकालने की मांग की है। पोला मैदान में डंपिंग ग्राउंड का निर्माण किया गया है और अरुणावती नदी उसी स्थान पर है। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण पानी को दूषित करने का काम चल रहा है। पूर्व वन मंत्री और दिग्रस विधानसभा के विधायक संजय राठौर ने लाखों रुपए लाए। अपने अथक प्रयासों से अरुणावती नदी पात्र को गहरा और चौड़ा करने का कार्य किया। हालांकि नगर परिषद दिग्रस की गैर जिम्मेदार नीति के चलते नदी पात्र में डंपिंग ग्राउंड का निर्माण कराया गया है। अरुणावती नदी पात्र का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि नगर परिषद दिग्रस पोला मैदान नदी पात्र के पास एक ही स्थान पर गीला और सूखा कचरा डंप कर रहा है। क्या इस दूषित पानी से दिग्रस के नागरिकों की प्यास बुझाएगी दिग्रस की नगर परिषद? नगर परिषद के लिए यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि मलेरिया, बुखार, डेंगू और मच्छरों के मामले काफ़ी बढ़ जाएंगे। लेकिन नगर परिषद की जीरो प्लानिंग से दिग्रस के नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साफ सुथरा खूबसूरत शहर सिर्फ कागजों पर ही क्यों? इस मामले पर खुद जिला कलेक्टर अमोल येड़गे ध्यान देंगे, ऐसे सवाल नागरिकों में उठ रहे हैं। वीके बी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्रे की रिपोर्ट।